हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें शेयर को इश्यू करने की टोटल 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज में हम सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स रिफर्स टू द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आर सिलेक्टेड बाय द कंपनी रेदर देन इशूइंग इट इन द ओपन मार्केट फॉर द पब्लिक एज ए होल एंड द सेम जनरली हैव द फ्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी के शेयर्स को कंपनी द्वारा सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को इशू और सेल करने से है, ना कि ओपन मार्केट में पब्लिक को इशू करने से। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स इंक्लूड्स बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, वेल्थी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। यहां इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। In case of private placement of shares, the allottees will not sell their shares for a minimum period of 3 years from the date of allotment. This period is known as lock-in period. In case of private placement of shares, allottees means receiver of the shares, अपने shares को receive करने के बाद minimum 3 साल तक sale नहीं कर सकते। यहाँ इस 3 साल के पीरियड को लॉग इन पीरियड कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को नो हाउ मीन्स टेक्निकल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अवेलेबल कराने के लिए डिस्काउंट पर देती है। सच शेयर्स कैन नॉट बी रिसोल्ड बाय देयर होल्डर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स कॉल्ड लॉक इन पीरियड। स्वेट इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स इन शेयर्स को 3 साल तक सोल्ड नहीं कर सकते हैं, यहां इस पीरियड को लॉक इन पीरियड कहते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्कीम। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ सिस्टम अंडर विच डायरेक्टर्स officers and employees of a company are generally given the right to acquire the shares of the company, the securities offered by the company at a predetermined price, which usually is lower than the market price. Employees stock option plan एक system है जिसके अंदर company के director, officers and employees को company के shares को अक्वायर करने का राइट होता है। कंपनी द्वारा ऑफर किए गए शेयर्स की प्राइस प्री डिटरमाइंड होती है, जो यूजुअली मार्केट प्राइस से कम होती है। शेयर्स अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर होल्डर्स 1 साल तक इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं, यह आपको याद रखना है। और यहां आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 5 में हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट।
आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।